Hello kids, in this video we are going to solve question answers of the chapter 2, the shoemaker and the elves. Open your notebook and start writing it now, okay? आपको जब भी दिक्कत होगी वीडियो पॉज कर लीजिएगा और नोट डाउन कर सकते हैं. तो बुक में आपका फर्स्ट दिया हुआ है वर्ड मीनिंग्स. टू स्क्रब, टू रब हार्ड फॉर द क्लीनिंग, किसी चीज़ को घिसना, ठीक है, हार्डली घिसना, वो होता है किसी चीज़ को क्लीन करने के लिए. एल्स जो होते हैं प्लूरल फॉर्म होता है एल्फ का, ठीक है. ये क्या होते हैं, एक लिटिल फेरी लाइक क्रिएचर्स होते हैं जो जिनके जो कान होते हैं वो नुकीले होते हैं, छोटे छोटे बौने, जादुई बौने. ओके, फेरी मतलब होता है परियों की जो कहानी होती है ना, परी वो. ओके, परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स विदाउट फॉल्ट आर डिफेक्ट, जिसमें कोई भी कमी या खामी ना हो. सरप्राइज मतलब वंडर्ड मतलब आश्चर्यचकित हो जाना. टू फिनिश, टू कम्प्लीट एनीथिंग, किसी चीज़ को पूरा कर लेना. वैसे ही एक्सेलेंट, एक्सेलेंट मतलब ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, कोई भी चीज़ जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, बहुत अच्छा हो, ठीक है, उसको एक्सेलेंट बोलते हैं. वैसे ही कर्टन्स, कर्टन्स क्या होते हैं, अ पीस ऑफ क्लॉथ हंग अप एट द डोर आर द विंडो, ठीक है, जो डोर या विंडो पे कपड़े के जो टुकड़े लटके होते हैं, यानी पर्दे, हिंदी में जिसको पर्दे बोला जाता है उसी को बोला जाता है कर्टन्स. रैक्स, रैक्स मतलब ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथेस, ओल्ड मतलब पुराना, टॉर्न मतलब छेद से भरा हुआ या फटा पुराना कपड़ा. ओके, चिथड़े बोलते हैं जिसको, सीधी सी बात है ना. इंस्टेड, इंस्टेड मतलब इन द प्लेस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की जगह कोई दूसरा चीज़, वो होता है इंस्टेड. वैसे ही क्रॉस लेग्ड, इसको हिंदी में बोला जाए तो पालथी मार के जो बैठते हैं ना उसको बोलते हैं क्रॉस लेग्ड. इंग्लिश में बोल सकते हैं जैसे सिटिंग विथ वन लेग प्लेस्ड अक्रॉस द अदर, ऐसे बैठना जिसमें एक पैर दूसरे पैर के ऊपर हो. ओके, बेयर, बेयर मीन्स विदाउट क्लॉथ्स आर कवरिंग, बिना कपड़े के या कोई कवरिंग के, जैसे पैर जो होते हैं बेयर फीट्स, इसमें वर्ड यूज़ हुआ था है ना, तो बिना जूते के मतलब खाली पैर. ओके, चलिए आगे देखते हैं. इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन है आपका. तो पहला क्वेश्चन हमको पूछता है, द श्रू मेकर वॉन्टेड टू शिव शूज, जिस जूते बनाने वाला था वो चाहता था कि वो जूते बनाए. कब, पहला ए अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जल्दी से, सेकेंड नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, एट मिड नाइट रात के 12 बजे, या फिर प्रीवियस डे एक दिन पहले. तो हमने देखा था टुमारो हर जगह पे यूज़ हुआ था है ना, मतलब नेक्स्ट डे. व्हेन द शूमेकर सॉ अ बेटर पेयर ऑफ शूज ही वॉज, जब शूमेकर देखता है कि उसके पास में सामने जो हैं बहुत अच्छे अच्छे जूते पड़े हुए हैं बन के रेडीमेड, तो वो देख के उसको क्या होता है, पहला ए एनॉयड चिढ़ जाता है, बी सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित हो जाता है, सी वेरी सैड बहुत दुखी हो जाता है, या डी हैप्पी खुश होता है. तो आंसर होगा आपका बी, सरप्राइज्ड हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं रहता कि ऐसा कुछ होगा बोल के, है ना. थर्ड है द एल्स वोर, जो एल्स होते हैं वो पहने होते हैं क्या, ओवर कोट भारी वाला कोट, रेन कोट बरसात वाला कोट, ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स यानी फटे पुराने कपड़े, या फोर्थ ड्रेस, या ड्रेस मतलब कोई वस्त्र, ठीक है. तो आंसर क्या था, वो फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं, ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स. ओके, द ब्यूटीफुल शूज वर मेड बाय, जो बहुत अच्छे अच्छे शूज़ होते हैं वो किससे बने होते हैं, कौन बनाते हैं मतलब, ठीक है. फर्स्ट एल, सेकेंड मैजिशियन, थर्ड जोकर, फोर्थ फेरीज. तो कौन बनाता है सबको पता होगा, एल्स. ओके, हाउ मैनी गोल्ड पीसेस वर गिवन टू द शूमेकर, शूमेकर को कितने गोल्ड पीस दिए गए थे, रानी के द्वारा, याद होगा कहानी पढ़े थे है ना. तो आंसर क्या था, वो है 100, उसको 100 यानी 100 गोल्ड पीसेस रानी दी थी उसके जूते के बिहाफ पे. ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जो ट्रू या फॉल्स होंगे, ठीक है. यहाँ पे मैंने ट्रू या फॉल्स नहीं लिखा, उसकी जगह पे सीधा टिक मार्क कर दिया है राइट एंड रॉन्ग का. तो आप ट्रू एंड फॉल्स लिख लेंगे तो भी चलेगा,
राइट एंड रॉन्ग का मार्क्स डाल देंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स किया हुआ है, तो ट्रू मतलब सही एंड फॉल्स मतलब गलत, तो वो लिख देंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो द शू मेकर वॉज पुअर, शू मेकर जो था बहुत गरीब था, बिल्कुल सही है। द शू मेकर वॉज सरप्राइज व्हेन ही सॉ अ बेटर पेयर ऑफ शूज, शू मेकर जो है बहुत अच्छे अच्छे जूते देख के सरप्राइज्ड हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, हो जाता है, सही है ये भी। द शू वर मेड बाय द एल्स एट नाइट, जो शूज़ होते हैं, जो जूते होते हैं, वो रात में बना दिए जाते हैं एल्स के द्वारा, हाँ बिल्कुल बनाए जाते हैं। द एल्स वोर ब्यूटीफुल क्लॉथ, जो एल्स होते हैं ठीक है, वो बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहने होते हैं, ये गलत है ठीक है, वो फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं। द शू मेकर एंड हिज वाइफ मेड लिटिल कोट्स एंड ट्राउजर्स फॉर द एल्स, जो शू मेकर होती है और उसकी जो शू मेकर होता है और उसकी वाइफ जो होती है, वो छोटे छोटे कोट्स पैंट्स और जूते बनाते हैं, किसके लिए, उन एल्स के लिए, तो हाँ बनाते हैं, तो ये होगा राइट ट्रू। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, जैसे पहला, वेयर डिड द शू मेकर लिव, शू मेकर कहाँ रहता है, तो इसका आंसर होगा द शू मेकर एंड हीज वाइफ लिव्ड इन अ लिटिल हाउस ऑन द एज ऑफ वुड। ठीक है, जो शू मेकर होता है और उसकी वाइफ होती है, वो एक छोटे से हाउस में रहते हैं एट द एज ऑफ वुड। वुड यहाँ पे लकड़ी से नहीं है, ठीक है, वुड का मतलब यहाँ पे जंगल को डिनोट किया गया है, एट द एज ऑफ वुड, एज मतलब किनारे पे, जंगल के किनारे पे एक छोटे से घर पे रहते हैं। वाई वॉज शू मेकर पुअर, शू मेकर गरीब क्यों था, यही सी बात है, उसकी जो जूते थे वो बिकते नहीं थे, इसलिए वो गरीब था, है ना, तो आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे, देयर वर नॉट मैनी पीपल हु वुड शूज हु बाई शूज फ्रॉम द शू मेकर, यहाँ बहुत ज़्यादा व्यक्ति नहीं थे जो शू मेकर से शूज़ खरीदते रहे होंगे, है ना। इच डे हिज स्टोर ऑफ लेदर बिकम लेस एंड लेस, हर दिन ऐसा होता था कि उसके जूते के लिए जो चमड़े होते थे वो कम होते जाते थे और उसका जूता भी बिकता नहीं था। ही डिड नॉट हैव मनी टू बाई मोर लेदर, और उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे कि वो नए चमड़े के टुकड़े खरीद सके ताकि शूज बना सके। सो डे बाई डे द शू मेकर ग्रो पुअर, इस कारण जो शू मेकर था वो दिनों दिन गरीब होता जा रहा था। ठीक है, वॉट डिड द शू मेकर डू वेन ही सॉ अ बेटर पेयर ऑफ शूज, शू मेकर क्या करता है जब वो एक अच्छी जोड़ी की जूते देखता है। ठीक है, तो आंसर होगा वो क्या करता है, व्हेन द शू मेकर सॉ अ बेटर पेयर ऑफ शूज ही गॉट सरप्राइज्ड एंड सोल्ड इट, उसके देखते ही वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है और फाइनली उसको क्या कर देता है, सोल्ड आउट कर देता है, मतलब बेच देता है। द शू मेकर वेंट टू द मार्केट विद द मनी, और जो पैसे उसको मिलते हैं वो उसको लेके मार्केट जाता है। ही बॉट लेदर फॉर द टू पेयर ऑफ शूज, उसके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि वो दो जोड़ी जूते के लिए चमड़े का टुकड़ा खरीद सके और वो खरीदता है उसको। ठीक है, फोर्थ है, हाउ डिड द शू मेकर बिकम रिच, शू मेकर कैसे रिच बनता है, अमीर बनता है। ठीक है, गरीब रहता है वो अमीर बनता है, तो इसके लिए लिख सकते हैं, एवरी डे द शू मेकर वुड गेट अप एंड गो इन टू हिज शॉप वेयर ही फाउंड रेडीमेड वेरी फाइन स्टिच्ड शूज, हर दिन की तरह वो अपनी शॉप के लिए सुबह सुबह निकल जाता है, जहाँ जाने पे वो रेडीमेड मतलब ऑलरेडी बने बुनाए जूते, वेरी फाइन स्टिच्ड मतलब बहुत अच्छे सिलाई किए हुए बहुत ब्यूटीफुल शूज उसको देखने को मिलते हैं। सून ही बिकम फेमस, इवन क्वीन ऑफ द कंट्री ऑल्सो वोर द शूज मेड बाई हिम, वो बहुत जल्दी ही फेमस हो जाता है, बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, इतना प्रसिद्ध हो जाता है कि उस देश की रानी भी उसके बनाए हुए जूते को पहनती है। एंड गेव हिम 100 गोल्ड पीसेस, और इतनी खुश हो जाती है कि उसको 100 सोने के सिक्के या टुकड़े देती है। इन दिस वे ही बिकम रिच, और ऐसे करते करते वो क्या हो जाता है, रिच हो जाता है, अमीर हो जाता है। ठीक है, वॉट डिड द शू मेकर एंड हिज वाइफ गिव द लिटिल एल्स,
सुमेकर उसकी वाइफ ने जो छोटे छोटे बौने रहते हैं उनको क्या देते हैं वो लोग, तो वो देते हैं उनको द सुमेकर एंड हिज वाइफ गेव देम लिटिल कोट्स, दोनों क्या करते हैं क्या देते हैं छोटे छोटे कोट्स ट्राउजर्स टू वियर एंड ऑल्सो मेक टाइनी शूज फॉर द गुड एल्स, कोट्स देते हैं पैंट देते हैं और छोटे छोटे उनको जूते भी देते हैं उन गुड एल्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द लिटिल एल्स नेवर कम बैक, जो छोटे छोटे बौने होते हैं वो फिर क्यों वापस नहीं आते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं है ना, लेकिन एक कारण यहाँ पे हमने जस्टिफाई करते हुए लिखा है, जैसे द लिटिल एल्स ओनली वॉन्टेड टू हेल्प द पुअर सुमेकर, जो लिटिल एल्स होते हैं उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि वो जो सुमेकर होते हैं उसकी मदद करना चाहते थे। नाउ सुमेकर ऑल्सो गेव देम गुड क्लॉथ्स एंड ऑल्सो द सुमेकर बिकम रिच, जब सुमेकर उनको क्लॉथ्स देता है जूते देता है शर्ट पैंट कोट पैंट बना कर उनको देता है, ठीक है, और ख़ुद भी क्या हो जाता है अमीर हो जाता है, गरीब रहता है वो अमीर हो जाता है, सो मे बी द हेल्प्स डिड नॉट कम अगेन, जो उनका मकसद था वो पूरा हो गया, ठीक है, उनको भी अच्छे अच्छे रिटर्न गिफ्ट भी मिल गए तो वो वापस और नहीं आते, ठीक है। चलिए वोकैबुलरी पार्ट में आते हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, जिसमें हम लोग को जो सेंटेंस ऑलरेडी दिए गए हैं जैसे स्टिच्ड रैग्स एक्सलेंट कर्टन एंड एल्फ, तो इसको हम लोग को फिलअप करना है। जैसे पहला देखते हैं अ फेरी लाइक क्रिएचर विद पॉइंटेड ईयर इज कॉल्ड, फेरी लाइक क्रिएचर विद पॉइंटेड ईयर्स, ठीक है, ऐसे क्रिएचर्स ऐसे जीव जंतु जो क्या होते हैं फेरी लाइक मतलब परियों के समान होते हैं और जिनके कान जो होते हैं पॉइंटेड मतलब नुकीले होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं एल्फ, ठीक है, तो पहले में एल्फ डालेंगे। बेगर यूजुअली वियर, जो भिखारी होता है बेगर गरीब यूजुअली वियर हमेशा पहनता है, क्या पहनता है फटे पुराने कपड़े ही पहनता है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं रैक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रैक्स। चलिए ब्लैंक आर हंग एट द डोर एंड विंडो, विंडो और डोर के सामने क्या लटका होता है हमने पढ़ा था है ना, क्या था वो कर्टन्स यानी पर्दे। ही इज़ एन ब्लैंक क्रिकेट प्लेयर, वह एक बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर है, तो बहुत अच्छे को क्या बोलते हैं हम लोग, यस एक्सीलेंट। द ब्लैंक ऑन द ट्राउजर्स आर वेरी फाइन, ट्राउजर्स में क्या होते हैं जब ट्राउजर्स बनाए जाते हैं पैंट्स बनाए जाते हैं उसमें सिलाई की जाती है, सिलाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टिचेस, ओके स्टिचेस को टाँके भी बोलते हैं लेकिन यहाँ पे सिलाई हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग को कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे एज एक्सीलेंट स्टोर टाइनी स्टक रैग, तो ये क्या है आपके हम लोग को सेंटेंस बनाना है इसी से, जैसे एक्सीलेंट का देखते हैं पहले, एक्सीलेंट वर्ड दिया हुआ है ठीक, एज का यहाँ पे तो एग्जांपल दे दिया है, जैसे देयर इज़ हर्ट एट द एज ऑफ फॉरेस्ट, हम लोग को सेंटेंस बनाना है, ये वर्ड हम लोग को दिए गए हैं पहले से, तो एक्सीलेंट का चलो बनाते हैं, एक्सीलेंट मतलब बहुत अच्छा, सचिन इज़ एन एक्सीलेंट क्रिकेट प्लेयर, तो ये वर्ड आने चाहिए उसमें जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो ये वर्ड आने चाहिए, इस तरीके से हमको सेंटेंस बनाना है। सेकेंड वैसे ही दिया गया स्टोर, स्टोर मतलब किसी चीज़ को रखना, वी स्टोर वाटर एट डैम्स, हम लोग डैम्स में क्या कर सकते हैं पानी इकट्ठा कर सकते हैं। टाइनी मतलब छोटे छोटे, सुमेकर मेड टाइनी शूज फॉर एल्स, सुमेकर ने क्या किया छोटे छोटे टाइनी यानी शूज बनाए एल्स के लिए। वैसे ही स्टक, स्टक मतलब स्ट्राइक का सेकेंड फॉर्म होता है स्टक, ठीक है, तकड़ाना ठीक है या फंस जाना। विजिटर्स आर स्टक बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर, विजिटर्स जो होते हैं जो घूमने वाले होते हैं ठीक है पर्यटक होते हैं वो ब्यूटी ऑफ नेचर यानी जो नेचर की ब्यूटी देख के वो लोग क्या हो जाते हैं एकदम स्तंभित हो जाते हैं यानी अटक जाते हैं, देखते देखते ही रह जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे उसको वो बोला गया है। वैसे ही एक और लास्ट बचा रैग, रैग मतलब टाइनी एल्स वोर रैग्स ओनली रैग्स, जो टाइनी जो एल्स थे छोटे छोटे एल्स थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रैग यानी कपड़े के चिथड़े पहने हुए थे, ठीक है, ओल्ड पुराने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। तो ये वर्ड आप लोग अपने हिसाब से भी आपको लगता है तो और बना सकते हैं, बस ये वर्ड आने चाहिए उसमें, ठीक है, सेंटेंस आप अपने हिसाब से भी मॉडिफाई
कह सकते हैं। यहाँ देखिए थर्ड वाले में द वर्ड गिवन बिलो हैव मोर देन वन मीनिंग, कंसल्ट द डिक्शनरी एंड राइट द मीनिंग्स। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके एक की जगह कई मीनिंग्स होते हैं, कई अलग अलग मतलब निकलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, वुड, वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट या फिर हार्ड सब्सटेंस ऑफ अ ट्री यूज फॉर फ्यूल, यानी लकड़ा, ठीक है, जिसको जला सकते हैं हम लोग, है ना। तो कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं जैसे फाइन, फाइन का मतलब होता है एक्सलेंट, बहुत अच्छा, या फिर वेरी थिन या नैरो, मतलब पतला सा, ओके। प्रेजेंट इन अटेंडेंस, हम लोग अटेंडेंस लेते हैं तो बोलते हैं ना प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैम, ओके, वही प्रेजेंट, अटेंडेंस वाला, उपस्थित होना। एंड एक प्रेजेंट का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, वर्तमान काल। थर्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब होता है, एक होता है उसका मतलब थिंग, कोई वस्तु, या ऑब्जेक्ट मतलब टारगेट, कोई हम लोग अगर मेरा ऑब्जेक्ट ये है, मेरा एम ये है बोलते हैं ना, वही टारगेट। मैच, मैच यानी स्पोर्ट्स होते हैं या गेम्स होते हैं, तो आज क्रिकेट मैच है, आज फुटबॉल मैच है बोलते हैं ना, वही वाला मैच है, गेम से डिनोट हो जाता है वो। या फिर इक्विवेलेंट, किसी के बराबर हम लोग किसी को मैच करते हैं, माय शूज आर मैचिंग विथ माय बेल्ट, ठीक है, तो शूज़ जो हैं बेल्ट के साथ मैच कर रहे हैं, उसके इक्विवेलेंट है, उससे बराबरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एक वर्ड के क्या हैं, अलग अलग मीनिंग्स यहाँ पे दिए गए हैं। अब आते हैं सफिक्स, कुछ ऐसे लेटर्स जो किसी वर्ड के पीछे लग के, पीछे साइड लग के उसका मतलब बदल देते हैं, या उस वर्ड को नया रूप देते हैं, उसको बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स मतलब किसी वर्ड के पीछे लगने वाला अन्य शब्दांश, ठीक है, जैसे IN, IAN, ER या IST ऐसे सफिक्स होते हैं। एग्जांपल में लेते हैं जैसे म्यूज़िक, MUSIC प्लस IAN क्या बन गया, म्यूज़िक मतलब होता है धुन, और IAN जुड़ गया तो हो गया म्यूजिशियन, जो उस धुन को बजाता है, संगीतकार, ठीक है, संगीत से संगीतकार हो गया ना। वैसे ही क्रिकेट से ER जुड़ गया तो क्रिकेटर, और आर्ट में IST जुड़ गया तो आर्टिस्ट, कला, कलाकार, ओके। तो ऐसे वर्ड्स हम लोग को बनाने थे, इसमें लाइब्रेरी का हो गया लाइब्रेरियन, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया इलेक्ट्रिसियन, एंड पॉलिटिक्स का हो गया पॉलिटिशियन, वैसे पेंटर, सिंग से सिंगर, एंड फाइट से फाइटर, ER जुड़ा हुआ है यहाँ पे, है ना, सफिक्स जो है ER जुड़ा हुआ है, यहाँ पे IST जुड़ा हुआ है सफिक्स में, तो मेडल का हो गया मेडलिस्ट, टूर का हो गया टूरिस्ट, एंड बायोलॉजी का हो गया बायोलॉजिस्ट। इस तरीके से हम लोग के बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, है ना। तो आपको जो भी याद आए तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें, ये आपके अपेंडिक्स में दिया हुआ है, बुक के जस्ट पीछे पलटिएगा, वहाँ पे अपेंडिक्स लिखा होगा, अपेंडिक्स 1, और उसमें ये कहानियाँ या जो छोटी छोटी पोएम्स हैं वो दिए हुए हैं। तो द एंट एंड द ग्रॉस ऑपर का दिया हुआ है लेसन 2 में, चलिए इसको पढ़ लेते हैं, इसी से हम लोग को क्वेश्चन आंसर बनाने हैं। वन समर डे अ ग्रॉस ऑपर वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग। एक समर का डे मतलब एक गर्मी का महीना के दिन था, जब ग्रॉस ऑपर यानी टिड्डा वो सिंगिंग एंड डांसिंग, वो गाना गा रहा था और डांस भी कर रहा था। वाइल एन एंट वॉज ड्रैगिंग एन ईयर ऑफ वीट अलॉन्ग टू हर एंट हिल, ठीक है, वहीं पे वो तो आराम कर रहा था, वहीं पे एक छोटी चींटी जो है गेहूं की एक बाली को लेके घसीटते हुए अपने बिल के पास में, एंट का जो हिल होता है ना, जो बाम्बी बनी होती है, वहाँ तक लेके जाते जाती है। इट वॉज सो हैवी दैट शी कुड हार्डली मूव इट, वो इतनी भारी होती है कि वो चींटी उसको बहुत मुश्किल से उसको पुश कर पाती है, उसको ले जा पाती है। वाई नॉट फॉरगेट योर वर्क एंड हैव फन विथ मी इंस्टेड, कोई बोलता, जो ग्रॉस ऑपर वहाँ पे सोया रहता है वो बोलता है, सेट द ग्रॉस ऑपर, वो बोलता है तुम ये सब भूल के मेरे साथ क्यों मजे नहीं करती हो, ठीक है, ये सब भूल के मेरे साथ मज़े क्यों नहीं कर रही हो। तो आई एम स्टोरिंग फूड फॉर विंटर, रिप्लाइड द एंट,
इस पे एंट ने रिप्लाई किया कि मैं विंटर के दिनों के लिए क्या कर रही हूँ, भोजन जमा कर रही हूँ, एंड यू शुड डू सो, और तुम्हें भी ये करना चाहिए। बट आई हैव इनफ फूड फॉर टुडे। जो ग्रास हॉपर होता है, सेट द ग्रास हॉपर, ये ग्रास हॉपर जो है थोड़ा घमंडी टाइप का होता है, वो बोलता है मेरे पास तो आज के दिन के लिए खाना है, एंड ऑफ ही वेंट, और ऐसा बोल के वो चला जाता है। इन द विंटर द एंट हैड प्लेंटी ऑफ फूड इन देयर एंट हिल। जब विंटर का दिन आता है, ठीक है, सर्दियों का दिन आता है, तो एंट हिल में, मतलब जो एंट के पास होता है, काफ़ी ज़्यादा खाने को सामान होता है, ठीक है, फूड होता है। बट द ग्रास हॉपर हैड नो फूड एंड वॉज डाइंग ऑफ हंगर। पर ग्रास हॉपर के पास कोई भी खाने को चीज़ नहीं होती और वो भूख से, हंगर से मर जाता है, ठीक है, डाइंग ऑफ हंगर। तो ये कहानी है। इसी कहानी से हमको मिलते जुलते बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, वो उसको कंप्लीट करना है। जैसे हु सैड, किसने कहा, तो पहला देखते हैं, वाई नॉट फॉरगेट योर वर्क एंड हैव फन विथ मी इंस्टेड। किसने कहा था ये सब भूल के मेरे साथ में मजे करो, किसने कहा था? यस, ग्रास हॉपर ने एंट को कहा था। सेकंड, बट आई हैव फूड फॉर टुडे, मेरे पास तो आज के लिए खाना है। यस, इसने भी ग्रास हॉपर ने ही एंट को कहा था। आई एम स्टोरिंग फूड फॉर विंटर, मैं ठंड के दिनों के लिए खाना जमा कर रही हूँ। हाँ, एंट ने किसको बोला था? ग्रास हॉपर को बोला था। तो इस तरीके से ये कंप्लीट है। वैसे फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे देखते हैं, आपकी बुक में जो है, जो ब्लू कलर से है, ये ब्लैंक दिए होंगे, है ना। तो वन समर डे अ ग्रास हॉपर वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग, ठीक है, एन एंट वॉज ड्रैगिंग एन ईयर ऑफ वीट। जो ब्लैंक दिया होगा उसमें ये फील करेंगे आप लोग, ठीक। ये सब स्टोरी पढ़े तो वहीं से ये वर्ड पूरे उस स्टोरी में लिखे हुए हैं ना। इट वॉज सो हैवी दैट ही कुड हार्डली मूव इट। द ग्रास ऑपर हैड नो फूड एंड वॉज डाइंग ऑफ हंगर। लास्ट में ही पढ़ा था, याद होगा, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर हमको इमेजिन करना है कि आप एक एल हो, ठीक है, एल्फ हो, जो क्या करते हो, वहाँ पे न्यू ड्रेस आपको मिलता है, ठीक है, जैसे शू मेकर ने दिया था उनको, तो आप उसके बदले में क्या बोलेंगे? इसको सिर्फ आपको एक वर्ड में, ठीक है, या एक छोटे से फ्रेज में या छोटे से सेंटेंस में आपको आंसर देना है। तो सिंपल से आंसर हो सकता है, आई वुड से थैंक यू फॉर न्यू ड्रेस, या सिंपल थैंक यू भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर वन सेंटेंस में हमको, वन वर्ड में भी उसका आंसर दे सकते हैं। आपको कुछ और अच्छा लगे तो वहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ये जो दो चीज़ें हैं, सेकंड और थर्ड वाला, ठीक है, ये आपको क्या करना है, आपके क्लास में आपके फ्रेंड्स के साथ में करना है, ठीक है। आप डायलॉग लिख लेंगे, कोई एक एल बन जाएगा, कोई शू मेकर बन जाएगा, कोई शू मेकर की वाइफ बन जाएगी, तो उनके जो डायलॉग्स लिख लेना है, और आपको एक नाटक की तरह यहाँ पे रोल प्ले करना होगा, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट है आपका, जैसे हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड दिए हैं, एग्जांपल के पुअर, गरीब, गरीब यानी किसी व्यक्ति को डिफाइन कर रहे हैं ना, वो क्या है, गरीब है। लिटिल, छोटा है, कोई चीज़ छोटा उसको डिफाइन कर रहे हैं। परफेक्ट, कोई चीज़ बहुत अच्छा है उसको भी डिफाइन कर रहा है। फाइन, कोई चीज़ फाइन है उसको डिफाइन कर रहा है। तो ये डिफाइनिंग वर्ड्स कहलाते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो हमको ऐसे दूसरे लेसन्स में, दूसरे बुक्स वगैरह में, लास्ट ईयर की बुक, ठीक है, वो सब में खोजने हैं। तो मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं, जैसे टाइनी, स्मार्ट, टॉल, एक्सलेंट, रिच, ये क्या हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। आप भी अपने हिसाब से और बहुत सारे इसमें वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोजेक्ट था। वैसे यहाँ पे आते हैं प्रोवर्ब। प्रोवर्ब जैसे कोई कहावत होती है, जैसे टुमारो नेवर कम, कल कभी नहीं आता, है ना। तो इसका मतलब एक्चुअल में होता है कि डोंट पुट समथिंग ऑफ फॉर टुमारो, कोई भी चीज़ कल के लिए करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, चलो ना इसको कल कर लेते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये चीज़ें गलत होती हैं, तो इसीलिए उसको बोला जाता है टुमारो नेवर कम, हो सकता है कल ना आए, इसलिए उसको आज ही कर लो। तो ये कोई भी चीज़ें कल के लिए नहीं टालनी चाहिए, वो इसका मतलब है।
तो कुछ सेंटेंस बनाने हैं, तो मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं, आपको और अच्छा लगता है तो आप अपने हिसाब से और बहुत सारे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। डू योर वर्क अर्ली एज पॉसिबल बिकॉज टुमारो नेवर कम। जितना जल्दी हो सके तुम्हारा काम कंप्लीट कर लो, क्योंकि टुमारो नेवर कम्स, कल का कौन जानता है, कौन देखा है, है ना। वाइज पर्सन ऑलवेज सेज दैट टुमारो नेवर कम। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो जानता है कि कल नहीं आने वाला, यानी कोई भी चीज़ को कल पे नहीं टालना चाहिए। लेट्स डू इट नाउ बिकॉज टुमारो नेवर कम। चलो इसे अभी निपटा देते हैं, इसको अभी कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि कल कल को कौन देखता है, टुमारो नेवर कम, ठीक है, कौन देखा है। वी नो दैट टुमारो नेवर कम्स सो डू इट फास्ट। हम जानते हैं कि कल कभी नहीं आता, इसलिए इसको आज ही कंप्लीट करो। इसका मतलब ये नहीं है कि कल नहीं होगा, हो सकता है कल आपको बहुत सारे और काम आ जाए, या आप इसको कल नहीं कर पाए और इसको करना कल के लिए ज़रूरी था, तो इसलिए कोई भी चीज़ को टालना नहीं चाहिए। जितना जल्दी हो सके आपके पास समय है तो उसको कंप्लीट करने की हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। कहीं भी दिक्कत आती है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाय बाय।